आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं भूल भुलैया का आइकॉनिक सॉन्ग। कौन सा बता देंगे पहले मौजम भैया? आपने बता दो दिया भूल भुलैया टाइटल ट्रैक, टाइटल ट्रैक यानी कि जिसके मैं कहूंगी के असर से हम लोग अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। उसकी ट्यून जब भी सुनते हैं तो आप थिरकना शुरू हो जाते हैं। बट आज क्या हम करने लगे हैं कि हम लोग जो पुराने वाला टाइटल ट्रैक है और जो नया टाइटल ट्रैक है दोनों को मर्ज करके सुनेंगे। बट पहले हम नया वाला सुनेंगे और बाद में हम पुराने वाला सुनेंगे, ताकि ये ना हो कि भाई हमने पहले नया वाला सुन लिया है तो पुराने वाला सुन लिया है तो हमें नया वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए हम पहले नया वाला सुनेंगे। लेकिन अगर बात करें इस मूवी की लिरिक्स की, सॉरी गाने की लिरिक्स की, तो लिरिक्स है मैंडी गिल के। म्यूजिक की बात करें तो इसमें ऑफ कोर्स रीमेक है तो तनिष्क बागची जी का म्यूजिक है। लास्ट टाइम पर जो है प्रीतम जी का था म्यूजिक, और आई थिंक इसमें भी जो प्रीतम जी हैं वो साथ में हैं तनिष्क बागची के। और इसके साथ साथ जो सिंगर्स हैं और सिंगर हैं नीरज श्रीधर, जो कि पुराने दोनों में सेम है लेकिन लिरिक्स जो है पुराने वाले में समीर ने दिए हैं। वेल गाइस देख लेते हैं दोनों सॉन्ग, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलग मैं व्लॉगिंग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Make him go crazy, but kill karna uski hobby. तुझको है देखा, तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना। Make me so happy, shaking my heart. तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़पन, तू है मेरी दिल जाना। Everything about you, baby, I like it. तेरी जुल्फों के नीचे मेरे ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी कौन मिलती रात।
searching for this fine shorty. And it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that. Cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty. In my world, the number one hottie. Everywhere she make him go crazy. Got to get me, yes, not a maybe. Teri aankhein bhool bhuliya, baatein hain bhool bhuliya. Tere sapno ki galiyon mein, I keep looking for you, baby. Teri aankhein bhool bhuliya, baatein hain bhool bhuliya. Tere sapno ki galiyon mein, you keep driving me so crazy. Dil mein pura बात करें अगर आज के गाने की तो दोनों गानों का अपना अपना मजा है, लेकिन जो है क्योंकि नया गाना सुना है वो आज के जमाने का म्यूजिक है, और अगर पुराने गाने की बात करें तो 2007-08 में मूवी आई थी तो यू नो म्यूजिक में काफी ज्यादा हमें फर्क देखने को मिला, बाकी सिंगिंग स्टाइल तो दोनों में तकरीबन सेम था बिल्कुल। लेकिन एक जो छोटा सा मुझे चेंज नजर आया वो ये था कि जैसे कि अभी जो नया वाला गाना है उसमें जो थोड़ा रैपिंग स्टाइल था, लाइक के जो सिंगर थे जिनका नाम आई थिंक मेलोडी बॉब थे, जिन्होंने हरे राम हरे कृष्ण, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो भी किसी लोकल सिंगर से अगर बोला ज्यादा ना कि वो गाएं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, राधा दन के कोई फॉरनर जो सिंगर है या इंग्लिश सिंगर है वो गा रहे। अब मुझे वैसे ये नहीं पता है कि ये मतलब रैपिंग करते हैं या बकायदा सिंगर है, इनके बारे में मुझे इतने ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन वो जो एक आपका डायलेक्ट आता है ना मैं उसकी बात कर, वैसे मुझे अगर मैं वहां पे बात करूं तो मुझे वो थोड़ा डायलेक्ट जो है ना वो इस्कॉन टाइप का लगा था। मे बी वो तो एग्जैक्टली फॉरनर्स है ना, तो हरे राम हरे कृष्णा तो वो एग्जैक्टली, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो हम लोगों ने पुराने वाला सुना ना उसमें एक तो मुझे स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगती है, जिससे एक म्यूजिक आता है ना
ऐसे फिर रुकता है फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो नया वाला गाना है इसमें भाई तनिष्क बागची जी मैं कहूंगी एक्सपर्ट है आपको फ्रेश फ्लेवर देने में, मतलब एक आपको वो जो बेस और इस तरह का म्यूजिक सुनने को मिला, एक लाउड म्यूजिक मैं कहूंगी कि आपको सुनने को मिला है, और ग्लैमर तो वैसे दोनों में था लेकिन हाँ। आज का जो जो मतलब हम कहेंगे कि नया सॉन्ग आया है भूल भुलैया 2 का, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कार्तिक जी हैं उनका डांस मुझे लग रहा है कि आइकॉनिक स्टेप बनता जा रहा है, क्योंकि वो जो ऐसे अभी मुझे प्रॉपर उसका नाम तो नहीं आता उस डांस मूव का जो टांगों के साथ पैरों के साथ ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन ये क्या जो मूवी थी ना उनकी कोका कोला तू हाँ। नहीं नहीं वो वाली मूवी में नहीं, जो मौजम खैर वो थी घर वाली बाहर वाली थी आई थी अनन्या पांडे के साथ आई थी हाँ उसमें एक हमारे नहीं आंख मारे तो वो गाना था कि नहीं इसमें अखियों से गोली मारे अखियों से हाँ, गोली मारे हाँ। उसमें उस मूवी का एक गाना है उसमें भी इन्होंने ऐसे ही डांस किया, तो मुझे लग रहा है कि ये अपना सिग्नेचर स्टेप बनता जा रहा है कार्तिक आर्यन का। मैं भी ये हो सकता है लेकिन मैं जो पुराने बुलबुलैया की बात करूँ तो वो नो डाउट जैसे मानदी ने कहा ग्लैमर उसमें भी था ग्लैमर इसमें भी था, लेकिन जो है ना वो जरा यू नो इस वाले गाने के आगे ग्लैमर के हिसाब से और कैमरे के रिजल्ट के हिसाब से थोड़ा सा फीका लग रहा था मुझे। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बल्कि अच्छा लगा वो, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा ना एक एक्स्ट्रा ग्लैमर नजर आया टू बी वेरी। अब यार ये देखे ना अगर इस गाने को देखो ये आज के हिसाब से बना, अगर वो देखे 2007 या 8 में जब आई थी देखो उसमें पता क्या आपको दूसरे भी क्लिप्स नजर आ रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि चीजें जो है वो ओके होती जा रही थी। इसमें मुझे ये लग रहा था इतनी ज्यादा लाइटिंग थी ना, पता नहीं कार्तिक आर्यन ने डांस कैसे कर लिया, मैं तो बेहोश हो जाती। वैसे कार्तिक आर्यन की ग्लासेस बहुत अच्छी, 2 ग्लासेस उन्होंने बीच में लगाई थी, दोनों की दोनों बहुत अच्छी थी। हाँ 2 ग्लासेस मैंने उन्हें देखा है, एक उन्होंने पहले ब्लैक वाली लगाई थी फिर बाद में ट्रांसपेरेंट वाली लगाई थी, दोनों ग्लासेस जो है मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन जो है ना मुझे जो है ना ये हाँ गाने दोनों अच्छे लगे, मुझे पिक्चराइजेशन दोनों की अच्छी लगी है। ये शायद मूवी अभी आई नहीं इस वजह से मूवी के बीच में चंक्स नहीं है, वो मूवी आ चुकी हुई थी और गाना वो बाद में आया होगा तो इस वजह बीच में जो है ना काफी ज्यादा क्लिप है, लेकिन म्यूजिक जो है वो फ्रेश नहीं मुझे लगा। हाँ फ्रेश वो भी लगा है, ये वही मैं बात करना उसे सुन के आपको जो है ना जरा वो अपनी पुरानी यादें जो होती है ना जो आपने उस टाइम में गुजारी होती हैं आपको वो वाली फीलिंग्स आती हैं। ये वाला जो है ये क्योंकि एक फ्रेश म्यूजिक है एक नया टेस्ट है तो आपको मजा आता है। वैसे मैं तनिष्क बागची जी की बात करूँ इन्होंने जितने भी रिमेक बनाए ना मोस्टली मुझे इनके रिमेक्स पसंद आते हैं। अभी जो टिप टिप बरसा पानी था वो भी कमाल का बना था, बहुत मजा आया था उसको भी सुनने का। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमने टिप टिप बरसा पानी पुराना और नया सुना था ना तो हमें एक ह्यूज डिफरेंस एक मतलब सुनने वो वाकई ऐसा डिफरेंस था कि आपको लग रहा था कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हाँ। तक जो है ना वो गाना अच्छा खासा हाँ, चेंज होकर जो है आया, यानी कि अगर वो जिस जमाने में बना था वो वाकई इस तरह का था कि इतना ज्यादा बीट का इस्तेमाल नहीं था होता, बहुत यू नो वो नेचुरल टाइप आपको गाने देखने को मिलते थे। अभी तो मुझे लगता है जब ये अभी वाला जो गाना ना और इवन के जो पुराने वाला गाना फुल वॉल्यूम में सुनते हो आपको बहुत मजा आता है सही है। लेकिन हाँ एक चीज मैं बोलूंगी अक्षय कुमार की सर की जो एक यू नो वो एक नॉटी सा उनका फेस बनता है ना उनको मैच करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं उनके हाँ खासतौर पर हेरा फेरी में और एक भागम भाग में और उनकी उनकी जो स्माइल और शरारतों वाला जो फेस है ना exactly. और एक और वो मूवी आई थी सलमान खान सर के साथ उनकी साथ में वो थी अच्छा, मुझे पता हाँ मुझसे शादी करोगी बिल्कुल बहुत ही तंग किया हुआ था उसमें, तो वैसे उनके रोल भी बड़े सूट करते हैं बिल्कुल मौजम के भी ऐसे ही रोल होते हैं। एनीवे गाइस ओवरऑल काफी मजा आया हमें दोनों गाने सुनने का और हमें दोनों गानों के बारे में क्या फील हुआ वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। अब आप जरूर बताइएगा कि आपको अभी तक कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है और दोनों में से अगर कोई एक अच्छा लग रहा है तो उसकी क्या खासियत क्या है ये भी बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और हाँ जाने से पहले मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, मैं मेरे दिमाग में था जब मैं गाना सुन रही थी कि जब हरे राम और हरे कृष्णा बोलते हैं तो मतलब ये क्या फ्लूट का हाँ, ये मेरा फ्लूट का साइन होता है और ऐसी। मतलब ये किस चीज का फिर साइन है ये भी हमें जरूर ये बताइएगा। इसका इसका नहीं मुझे पता, इसका तो मुझे पता है कृष्णा हरे राम ऐसे करते हैं ना तो ये तो मुझे चलो थोड़ा पता चल जाता है कि ये फ्लूट का साइन, तो ये मुझे नहीं पता तो ये आप जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसके साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।